मैं हुसानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के कुर्ला के पास लोकमान्य तिलक नगर रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे इमारत में आग लग गई है। आशंका जताई जा रही है कि आग के कारण कुछ लोग रेलवे इमारत में फंसे हुए हैं। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है और इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में लगी है। डीएमसी के अनुसार आग की जानकारी दोपहर 2:43 पर मिली थी, जिसके बाद महानगर पालिका के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। डीएमसी ने इस आग को फर्स्ट लेवल की आग घोषित किया है। इस आग में अभी तक किसी की घायल होने की खबर सामने नहीं आई है।